एमए प्रीवियस के प्रिय बच्चों, आज हम आपको तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत योग दर्शन के रूप में निर्धारित पातंजल योग दर्शन पर परिचयात्मक चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, योग दर्शन का लेखन महर्षि पतंजलि ने किया था। आइए हम सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि के जीवन वृत्त के विषय में थोड़ी चर्चा कर लें, उसके पश्चात पातंजलि योग दर्शन का जो स्वरूप है उस पर हम आपको प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करेंगे। प्रिय बच्चों, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अनुशासक माने जाते हैं, क्योंकि पातंजल योग दर्शन के उपलब्ध ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। पश्चातवर्ती समस्त भाष्य, टीकाएं, व्याख्याएं तथा अन्य योग ग्रंथों का मूलाधार पातंजल योग दर्शन ही रहा है। अतः इस कथन की सत्यता में लवलेश भी शंका नहीं होनी चाहिए। यत्र तत्र महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के अनुशासक के रूप में स्वीकार भी किया गया है। पातंजलि योग सूत्रों में प्रथम अथ योगानुशासनम से यह स्पष्ट ज्ञात होता है। तत्व वैशार्दी टीका में इसकी व्याख्या इसको पूर्णतया स्पष्ट करती हुई कहती है, सूत्रकारेण उक्तम अनुशासनम इति शिष्टस्य शासनम अनुशासनम इति अर्थः। अत्यंत विश्रृंखलित एवं बीजभूत योग तत्वों को श्रृंखलाबद्ध एवं सुपल्लवित कर स्वतंत्र दर्शन के रूप में स्थापित करने वाले महर्षि पतंजलि का जीवन वृत्त अधुनातन अस्पष्ट सा बना हुआ है। भारतीय परंपरा जहां ईसा पूर्व 200 में अवतरित महाभाष्य प्रणेता महर्षि पतंजलि को ही योग सूत्रों का भी रचयिता मानती है, वहीं कुछ वैदेशिक विद्वान व उनके अनुकर्ता भारतीय मनीषी भी उन्हें महाभाष्यकार पतंजलि से सर्वथा भिन्न स्थापित करते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में यथार्थ हेतु सुचिंतन की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः संक्षेप में विभिन्न मतावलंबियों के महर्षि पतंजलि के काल विषयक मंतव्यों पर सार गर्भित दृष्टिपात किया जाना अपेक्षित है। महर्षि पतंजलि यानी योग सूत्रकर्ता का काल व जीवन वृत्त दो विचारधाराओं में जाना जा सकता है। प्रथम, महाभाष्यकार पतंजलि व योग सूत्रकार पतंजलि दोनों भिन्न व्यक्ति हैं। द्वितीय, महाभाष्यकार पतंजलि ही योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि है। प्रथम, महाभाष्यकार पतंजलि व योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि दोनों भिन्न व्यक्ति हैं। पाश्चात्य व पौरस्त्य विद्वानों में केचित मनीषी महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि व योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि को भिन्न भिन्न मानते हैं। इनमें जे एम वुड्स, एम पेरी, एम विंटरनिड्स, प्रोफेसर गाइनर्स, स्टेखात्सकी, प्रोफेसर जेकोबी, प्रोफेसर कीथ आदि प्रमुख हैं। जेएम वुड्स के अनुसार योग सूत्रकार पतंजलि महाभाष्यकार पतंजलि से सर्वथा भिन्न थे। वुड्स के अनुसार योग सूत्रकार पतंजलि बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु के पश्चातवर्ती थे। वसुबंधु का समय चौथी शताब्दी माना जाता है। जेएम वुड्स कहते हैं कि इनकी भिन्नता का प्रथम कारण है दोनों द्वारा द्रव्य का भिन्न भिन्न लक्षण करना। इनके अनुसार योग सूत्रकार ने तृतीय व चतुर्थ पादों में
विज्ञानवाद का खंडन किया है। बौद्ध विज्ञानवाद के प्रवर्तक वसुबंधु हैं, अतः वसुबंधु से इनका परवर्ती होना ही समीचीन है। वाचस्पति मिश्र ने भी व्यास भाष्य में अपनी तत्वेशारदी व्याख्या के अंतर्गत पतंजलि कृत खंडन को विज्ञानवादियों का ही खंडन माना है। अथ विज्ञानवादिनम वैनाशिकम उत्थापयति। इनके अतिरिक्त वसुबंधु नागार्जुन आदि ने कहीं भी योग सूत्रकार पतंजलि का उल्लेख नहीं किया है, अतः योग सूत्रकार पतंजलि महाभाष्यकार पतंजलि से भिन्न एवं परवर्ती है। जैन आचार्य उमास्वाति, जो कि पंचम शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैं, ने स्वविरचित तत्वार्थाधिगम सूत्र में योग सूत्र का उल्लेख किया है, अतः इनसे पूर्व अर्थात पंचम शताब्दी से पहले पंचम महर्षि पतंजलि की स्थिति बनती है। महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम में मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम इत्यादि सूत्र का उल्लेख किया है, अतः इनसे पूर्व ही योग सूत्रकार काल माना जा सकता है। इस प्रकार वुड्स ने कुछ अन्य उद्धरणों से योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि का समय चौथी शताब्दी के आसपास माना है। प्रोफेसर जैकोबी तथा प्रोफेसर कीथ ने भी महाभाष्यकार पतंजलि से योग सूत्रकार पतंजलि को अलग माना है। प्रोफेसर जैकोबी कहते हैं कि योग सूत्रकार पतंजलि शब्दार्थ प्रत्यानामितरेतराध्यासात इत्यादि सूत्र में स्फोट सिद्धांत का वर्णन किया है, जो कि महाभाष्यकार पतंजलि का सिद्धांत है। अतः योग सूत्रकार पतंजलि महाभाष्यकार पतंजलि से परवर्ती सिद्ध होते हैं। वैशेषिकों के अंतःकरण विभुत्व तथा परमाणुत्व सिद्धांत को योग सूत्रकार ने स्वीकार किया है, जो योग सूत्रकार को वैशेषिकों से पश्चातवर्ती सिद्ध करता है। योग सूत्रकार पर सौत्रांतिकों के काल की सत्ता की काल्पनिकता एवं क्षण सत्ता की यथार्थता का भी प्रभाव है, अतः वे इनसे परवर्ती सिद्ध होते हैं। प्रिय बच्चों, प्रोफेसर बेवर बृहदारण्यकोपनिषद के काप्य पातंजल इत्यादि उदाहरण से योग सूत्रकार पतंजलि को उपनिषदों से भी पूर्ववर्ती स्वीकार करते हैं, महाभाष्यकार पतंजलि को इनसे भिन्न सिद्ध करते हैं। पंडित उदयवीर शास्त्री भी भाष्यकार से योग सूत्रकार को भिन्न ठहराते हैं। आप योग सूत्रकार पतंजलि को महाभाष्यकार से प्राचीन मानते हैं। दूसरा मत है, महाभाष्यकार पतंजलि ही योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि है। इस मत के प्रतिपादकों में डॉक्टर एस एन दास गुप्त एवं पंडित ज्वाला प्रसाद, रिचर्ड गार्बे, बी लाइविश, मर्किया एलियड आदि प्रमुख विद्वान हैं। ये सभी विद्वत जन ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी को योग सूत्रकार का काल मानते हैं तथा महाभाष्यकार पतंजलि से योग सूत्रकार को अभिन्न प्रतिपादित करते हैं। इनके कुछ प्रमुख तर्क हैं। पहला तर्क, डॉक्टर एस एन दास गुप्त कहते हैं कि योग सूत्र का कैवल्यपाद मूल ग्रंथ का अंश नहीं है, अपितु प्रक्षिप्त भाग है, क्योंकि विभूतिपाद में ही प्रतिपादित हो जाता है। अतः योग सूत्रों में विज्ञानवाद बौद्धों के मत के खंडन का मत ही खंडित हो जाता है। द्वितीय तर्क, कैवल्यपाद को योग सूत्र का भाग मान भी लिया जाए, फिर भी विज्ञानवादियों के मत के खंडन की बात असत्य सिद्ध होती है, क्योंकि जहां विज्ञानवाद का खंडन किया गया है वह योग सूत्र का सूत्र नहीं अपितु व्यास भाष्य का एक पाद है। पंडित ज्वाला प्रसाद भी इससे सहमत हैं। वे लिखते हैं,
नैत्रैक चित्त तंत्रम वस्तु तत् अप्रमाणकम अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। यह योग सूत्र नहीं है। इलियट जैसे अन्य विद्वान भी यह तर्क देते हैं कि माना यह योग सूत्र का एक सूत्र है तथा यह आदर्शात्मक विचारों का खंडन भी करता है, किंतु यह कैसे कहा जाए कि यह विज्ञानवादी बौद्धों का ही खंडन है। ऐतरेय आरण्यक जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इस प्रकार के विचारों का खंडन पाया जाता है। ऐतरेय आरण्यक तो भगवान बुद्ध से भी पूर्व की रचना है। विज्ञानवादी बौद्धों का तो कहना भी क्या। अतः आधारहीन तर्कों से महाभाष्यकार पतंजलि तथा योग सूत्रकार पतंजलि को भिन्न सिद्ध करना मात्र दुराग्रह ही है। तृतीय मत जो तर्क है वह है, नागार्जुन ने यदि अपने ग्रंथ में पतंजलि का उल्लेख नहीं किया तो भी क्या, उन्होंने योग को उपाय कौशल्य हृदय शास्त्र द्वारा दार्शनिक मत के रूप में स्वीकार तो किया ही है। अतः संभव है कि यह योग पातंजल योग दर्शन का ही हो। दिग्नाग एक तार्किक आचार्य थे, जबकि योग सूत्रकार पतंजलि एक योगी। पतंजलि उनके मत के खंडन मंडन से सर्वथा परे थे। अतः दिग्नाग के वे न तो आदर्श थे और न ही विरोधी, फिर भला दिग्नाग उनका उल्लेख क्यों करते। अतः पतंजलि को इस आधार पर दिग्नाग से परवर्ती कहना असंगत है। पांचवा तर्क जो दिया जाता है वह है, स्फोट सिद्धांत का यदि पतंजलि ने योग सूत्र में संकेत किया है तो उससे वे महाभाष्यकार से पृथक सिद्ध कैसे किए जा सकते हैं। अभी तो महाभाष्यकार का एवं तरह स्फोट शब्द इत्यादि स्फोटवाद उनसे अभिन्नता है प्रतिपादित करता है। इसी प्रकार अंतःकरण का विभुत्व तथा परमाणुवाद जैसे तर्कों का भी डॉक्टर एस एन दास गुप्त आदि ने प्रबल खंडन करते हुए महाभाष्यकार पतंजलि एवं योग सूत्रकार पतंजलि को एक ही प्रतिपादित किया है। प्रिय बच्चों, वस्तुतः भोजराज, भर्तृहरि, चक्रपाणी दत्त, नागेश आदि ने पतंजलि को ही योग सूत्रकार माना है। राजमार्तंड वृत्ति में भोजराज कहते हैं, शब्दानाम अनुशासनम विदधता पातंजलि कुर्वता। जैसे सर्पराज शेषावतार पतंजलि ने महाभाष्य योग सूत्र की रचना करते हुए, यहाँ पतंजलि यानी महाभाष्यकार व योग सूत्रकार एक ही है ऐसा स्पष्ट उद्घोष है। चरक संहिता के टीकाकार चक्र पाणिदत्त पतंजलि को महाभाष्य चरक संहिता तथा योग सूत्र का रचनाकार मानते हुए नमस्कार करते हुए कह रहे हैं, पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृत ही मनोवाक्काय दोषाणाम हंत्रे अहिपतये नमः। वैयाकरण लघु मंजूषा के रचयिता वैयाकरण नागेश भट्ट ने भी चरक संहिता महाभाष्य तथा योग सूत्र का रचयिता एक पतंजलि को ही माना है। पतंजलि चरित में रामभद्र दीक्षित ने भी ऐसा ही मानते हुए लिखा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरात्म आनतोस्मि। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि महाभाष्यकार पतंजलि ही योग सूत्रकार पतंजलि हैं। इनकी स्थिति शुंगवंशी राजा पुष्यमित्र के शासन में ठहरती है। पुष्यमित्र का समय ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी माना जाता है। महाभाष्य में पतंजलि ने पुष्यमित्र से संबद्ध अनेक वाक्य लिखे हैं। पुष्यमित्रम यजामहे, पुष्यमित्रम याजयामः, चंद्रगुप्त सभा, पुष्यमित्र सभा आदि आदि। महर्षि पतंजलि का निवास स्थान कश्मीर प्रतीत होता है, क्योंकि महाभाष्य में यत्र तत्र कश्मीर पद का प्रयोग करते हुए अनेक वाक्य लिखे गए हैं। जैसे कश्मीरान गमिष्यामो देवदत्ता,
अत्र शक्तून पश्यामः अभिजानासि देवदत्त यत् काश्मीरेषु वत्स्यामः समेतः पुण्यकर्मणि पार्श्वे हिमवतः शुभे वने चैत्र रथे रम्ये। इस प्रकार के अनेक उद्धरण यहाँ पर दिए जा सकते हैं जहाँ कश्मीर का उल्लेख उन्होंने किया है। कुछ विद्वान पतंजलि को गोनर्दीय अर्थात गोंडा का निवासी मानते हैं, किंतु पतंजलि गोनर्दीय नहीं थे अपितु महर्षि कात्यायन ही गोनर्दीय थे, ऐसा पंडित हरि दीक्षित सुब्रमण्य शास्त्री पंडित दामोदर प्रसाद शर्मा शास्त्री वैद्य आदि विद्वान मानते हैं। इनका कहना है कि महर्षि पतंजलि कश्मीर की नागू ब्राह्मण जाति के मुखिया थे, अतः नागराज जैसे नामकरण हुए हैं। इस प्रकार से प्रिय बच्चों महर्षि पतंजलि के विषय में यह जीवन वृत्त आपके सामने मैंने रखा है। अब हम पतंजलि योग दर्शन का स्वरूप क्या है, उसकी रचना कितने भागों में हुई है, इस विषय को भी थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। बच्चों महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन चार पादों में विभक्त है। पहला पाद समाधि पाद है, द्वितीय पाद साधन पाद है, तृतीय पाद विभूति पाद है और चतुर्थ पाद का नाम कैवल्य पाद है। प्रथम पाद यानी समाधि पाद, इस पाद में कुल 51 सूत्र हैं। इनमें योग का लक्षण फल चित्त वृत्तियां योग के उपाय अभ्यास वैराग्य संप्रज्ञात समाधि समाधि की सिद्धि की आसन्नता ईश्वर प्रणिधान ईश्वर का निरूपण योग के अंतराय यानी विघ्न चित्त के परिकर्म चार प्रकार की समापत्ति यानी समाधि और निर्विचारा समापत्ति का उत्कर्ष ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार तथा निरोध समाधि का वर्णन हुआ है। और द्वितीय पाद का नाम है साधन पाद। इस पाद में कुल 55 सूत्र हैं। इन सूत्रों के विषय इस प्रकार से रखे गए हैं, क्रियायोग पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश निवारण स्वरूप कर्माशय भेद कर्म फल सिद्धांत दुखवाद हेय हेतु दृश्य स्वरूप दृष्टि स्वरूप दृश्य की नित्यता प्रकृति पुरुष संयोग हान हानोपाय अष्टांग योग यमों की सिद्धियां नियमों की सिद्धियां आसन व उसकी सिद्धि प्राणायाम और उसकी सिद्धि तथा प्रत्याहार तथा उसकी सिद्धि। तृतीय पाद का नाम है विभूति पाद। इस पाद में 55 सूत्र हैं, अर्थात विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं। यहाँ धारणा ध्यान समाधि का वर्णन किया गया है, संयम का अंतरंगत्व त्रिविध चित्त परिणाम धर्म लक्षणावस्था परिणाम धर्मी का स्वरूप परिणाम क्रम संयम की सिद्धियां महाविदेहावृत्ति भूत जय और उसकी सिद्धियां इंद्रिय जय और उसकी सिद्धियां देवताओं का निमंत्रण विवेक ज्ञान तथा कैवल्य विषयों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रिय बच्चों पतंजल योग दर्शन का चतुर्थ और अंतिम पाद है कैवल्य पाद। कुछ विद्वान चतुर्थ पाद को प्रक्षिप्त मानते हैं। इस पाद में कुल 34 सूत्र हैं। इन सूत्रों में जो विषय लिए गए हैं वे इस प्रकार से हैं, पंच सिद्धियां जात्यंतर परिणाम निर्माण चित्त चार प्रकार के कर्म वासना बाह्य पदार्थों की सत्ता पुरुष में चित्त दृष्टित्व जीवन मुक्त की मनोवृत्ति धर्म मेघ समाधि परिणाम क्रम समाप्ति तथा कैवल्य स्वरूप व्यवस्था। इस प्रकार उपर्युक्त चार पादों में कुल 195 सूत्रों का समावेश है, अर्थात
195 जो सूत्र हैं पातंजल योग दर्शन में है, जिनसे योग दर्शन का सुव्यवस्थित वर्णन हुआ है। यह ग्रंथ रत्न योग दर्शन का केंद्रीय ग्रंथ है। इसमें प्रथम बार योग दर्शन के सिद्धांतों का सुव्यवस्थित ढंग से चिंतन मनन हुआ है। इससे पूर्व योग दर्शन के सिद्धांत तथा तत्व विश्रृंखलित एवं अनियत थे, किंतु यहाँ शास्त्रीय प्रणाली से इनका समावेश करते हुए विवेचन किया गया है। यह योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, जिस पर अनेक व्याख्याएं, टीकाएं तथा भाष्य लिखे गए हैं। प्रिय बच्चों, आज हम यहीं पर इस विषय को संपन्न करते हैं। अग्रिम वीडियो में आपसे पुनः योग का स्वरूप और योग के लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।